कोविड महामारी के काल ने मानव जीवन ही नहीं पूरे मानव सभ्यता पे असर डाला। इसका परिणाम यह रहा कि जो पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था थी उस पर असर पड़ा। कॉलेजों में ताले लटक गए, छात्रों की पढ़ाई रुक गई। इसके बावजूद भी छात्रों ने अपनी जिज्ञासा नहीं रोकी, वो हार नहीं माने और उसका आज परिणाम है कि वह घर से ही रह करके परीक्षा की तैयारी किए, अध्ययन किए और परिणाम यह है कि पीछे आज जश्न मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मऊ जनपद के किड्स किंगडम स्कूल में, जहाँ पर आज छात्र जो हैं जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट थे वो अच्छे अंक लाए और विद्यालय परिवार द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही जो शिक्षक थे वो भी काफ़ी प्रयास किए, तभी आज ये दृश्य देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ के जो प्रधानाचार्य महोदय हैं उन्हीं से बात करेंगे, क्या सर तैयारियाँ रही या क्या जश्न मनाया जा रहा है? तैयारियाँ की बात सर जहाँ तक मैं करूँ तो KKS परिवार की तरफ से जो भी मैनेजमेंट ने अपना सपोर्ट किया हुआ है वो काफ़ी सराहनीय है और शिक्षकों के मेहनत के बदौलत और स्टूडेंट्स और अभिभावकों के बदौलत हम लोगों ने इस मुकाम को हासिल कर पाया हुआ है। COVID-19 की सिचुएशंस विकट सिचुएशंस थी, उस सिचुएशंस में हम लोगों को सर्वाइव करना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, लेकिन इसके लिए मैं मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके सपोर्ट से और शिक्षकों के प्रयास से ये हम सफलता हासिल कर पाए। सर कितना स्ट्रगल रहा, क्योंकि जो अपना विद्यालय कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश से बच्चे आते हैं तो नेटवर्किंग की समस्या तमाम कितना जूझना पड़ा और बच्चों का क्या रिएक्शन है और आपको क्या तैयार? देखिए जहाँ तक रही बात टेक्निकल इश्यूज़ की, तो टेक्निकल इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टर सर ने ब्रॉडबैंड कनेक्शन तुरंत लिया हुआ था, जिसको पास होने में थोड़े से टाइम लगे हुए थे, एक मंथ के अप्रॉक्स, उसको हम लोगों ने करके और स्मूथली जूम ऐप के थ्रू हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस को कंटिन्यू किया। इसके लिए पेरेंट्स का भी बहुत ही सपोर्ट रहा है, पेरेंट भी अपने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा मोटिवेट करते थे, प्रमोट करते थे और हमारे जो भी शिक्षक हैं वो डेली टच में रहते थे स्टूडेंट्स के। अगर वो बच्चा क्लास नहीं करता था तो उनके पेरेंट्स से बात करना, स्टूडेंट्स को कन्विंस करना कि बेटा अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप लोग उसको सॉल्व करके और रेगुलर बन के अपनी क्लासेस को करो। सर रिजल्ट क्या औसत रहा पूरे जनपद? आपको बताना चाहेंगे कि पूरे मऊ ज़िले में जो कक्षा 10वीं का रिजल्ट निकला हुआ है उसमें हम लोग टॉप 10 में 5 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के हैं, जिसमें सृष्टि शर्मा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया हुआ है पूरे ज़िले में और दूसरा स्थान समर यादव ने किया हुआ है। इसके अलावा भी 3 स्टूडेंट हैं हमारे टॉप 10 की श्रेणी में, उसकी लिस्ट अभी हम बना रहे हैं, फाइनली होने के बाद से उसको भी मैं डिस्क्लोज कर दूंगा। तमाम बच्चे हैं जो कोई अधिक नंबर पाया, कोई किसी कारण से चूक गया, तो वैसे तो हमारी तरफ से सभी टॉपर हैं, कुछ बच्चे हैं उनसे हम बात भी करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से तैयारियां रहीं और क्या रहा परिणाम। आपका परिचय? मेरा नाम सूर्यांश यादव है जी, मैं मेल रोड प्रधान रहने वाला हूँ। सर इस लॉकडाउन में मुझे मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हुआ पढ़ने में, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और हमारे जो टीचर्स हैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्हें पूरे लॉकडाउन में हमको पढ़ाने की पूरी कोशिश की और हमने पढ़ा और थोड़ा प्रॉब्लम होती थी कुछ नेटवर्क इशूज़, लेकिन हमने फिर भी कोशिश की और टीचर्स का भी धन्यवाद करूँगा जो मुझे पूरे लॉकडाउन मतलब अच्छे से पढ़ाया। और क्या भविष्य की तैयारियां हैं, क्या उद्देश्य लेकर चलती हैं? सर आफ्टर जिस PCM स्ट्रीम लिया हूँ उसके बाद फिर सर NDA का फॉर्म भरना है, सर एयरफोर्स में ज्वाइनिंग, सेना में जाना है एयरफोर्स। यस सर। चलिए आपको बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे एक छात्र और हैं, अपना परिचय दें आप। जी मेरा नाम चंदन यादव है, मैं क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। क्या स्ट्रीम रहा, क्या तैयारी? जी मेरा कॉमर्स स्ट्रीम था और ये तैयारी मतलब जैसे COVID-19 में स्कूल का ही सब कुछ बड़ा हाथ था, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही कोविड आया तुरंत यहाँ पे जूम की सुविधाएँ आ गई कि बच्चों को जूम ऐप पे क्लासेस करनी है और जिनका इंटरेस्ट था वही उन्होंने किया। अब टीचर लोगों का यही काम है कि करना, सुझाव देना बच्चों को, लेकिन जिनका मन था उन्होंने किया और रिजल्ट उसी के हिसाब से आया है। गाँव से आते हैं सर? जी मैं गाँव से हूँ, यहीं सहरोज से। तो वर्तमान जो कोविड काल था जी, तो पढ़ाई मज़ा आया क्या डिस्टर्ब? और टीचर लोग ऐसे ही थे कि जैसे कोई एंट्रेंस जानते थे कि अभी मोबाइल में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है बच्चों को, लेकिन उसी के हिसाब से क्लासेस चलती थी, इतना प्रेशर नहीं रहता था, आराम से पढ़ाई चली। आप तो बहुत दिक लग रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में आते हैं, ग्रामीण परिवेश में शिक्षा की स्थिति को क्या आपकी नज़र है? ग्रामीण परिवेश में सबसे पहले तो डायरेक्टर सर को धन्यवाद कि यहाँ पे इस एरिया में ये स्कूल खुला है, जिसकी वजह से अभी मेरा मैं कहीं ना और रहता, कुछ और रिजल्ट रहता, लेकिन मेरा एडमिशन KKS में हुआ, मैं पास ही का हूँ और मैं धन्यवाद दूंगा स्कूल को और उसको कि यहाँ पर योजना है भविष्य। हाँ भविष्य की यही योजना है कि सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है और ग्राम समाज को ही आगे ले जाना है। क्यों गांव को आगे ले जाना चाहते हैं? अरे सर गांव में ऐसा मैंने देखा है कि सर अभी मेरे जैसे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे जैसे मेरे साथ के दोस्तों सब कुछ नहीं, इतना लोग IAS बन जाते हैं, गाँव को भूल जाते हैं। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन
अब जिसकी चाह होगी वो भूल जाएगा, लेकिन अब आपको याद रहेगा कि मेरा गांव ऐसा है तो आप जरूर जाएंगे गांव वापस। कोई ऐसा उदाहरण आपकी नज़र में है जो आईएएस बनने के बाद गांव की नज़र बनाए? जी मेरे हिसाब से तो रवि कुमार सिहाग जी हैं जो हरियाणा के, उन्होंने आईएएस के टॉप 3 रैंक में आया था, उन्होंने वापस अपने गाँव गया, वो जवान मतलब जो गए और उसके हिसाब से उन्होंने काम किया, वो भी गाँव से किसान के मेरे तरह ही पिताजी का। समाज सेवा के लिए आईएएस बनना चाहते हैं, पैसे कमाने? नहीं, पैसे के लिए सर तो मेरे पास बहुत स्ट्रीम है, जैसे सीए सीएस मैं कर लूँ वहाँ पर बहुत पैसा कंपनी ज्वाइन करके, लेकिन 30,000 बहुत है सर काम करने के लिए। चलिए बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरे साथ यहाँ पे एक छात्रा भी हैं, आप अपना परिचय बताइए। सर मेरा नाम सृष्टि शर्मा है, मैं कक्षा 10वीं छात्रा हूँ। अच्छा, कैसा रहा तैयारी कोविड काल में, क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, तैयारियों में थोड़ी सी परेशानी आ रही थी, लेकिन हमारे जो शिक्षक हैं उन्होंने बहुत मेहनत की थी हमारी ओर और एक तरह से ऐसा माहौल बनाया उन्होंने कि हमें पढ़ाई में मज़ा आने लगा इस तरीके से। जनपद की टापर हैं, क्या रिएक्शन है, कुछ विशेष मत लग रहा है? जी खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन इसका पूरा श्रेय मैं अपने टीचर्स को देना ही चाहूँगी। परिवारजन का? जी बिल्कुल, परिवार का भी सहयोग रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। चलिए काफ़ी आपको शुभकामनाएं भविष्य के लिए, बधाई आप। इसके साथ ही इस स्कूल में सबसे बड़ी बात देखने को मिली वो अपने जनपद को गौरवान्वित करने वाली बात है। मेरे साथ ये जो पीछे छात्रा हैं इनको CBSE द्वारा उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया गया, वो कहीं ना कहीं पूरे मऊ जनपद के लिए एक गौरव का विषय है। तो पहले तो हम सृष्टि से ही जानना चाहेंगे किस लिए इनको प्रमाण पत्र मिला। छन्नेहा, सॉरी इनका नाम, आप ही नाम बताइए। मेरा नाम निहल राय है और मुझे CBSE से मेरिट सर्टिफिकेट मिला है फॉर स्कोरिंग 100 मार्क्स इन इंग्लिश एंड सोशल। ज़्यादा इंग्लिश आती है या सोशल आती है? क्या इंग्लिश? इंग्लिश ज़्यादा आती है। तो समाज के बारे में क्या जानते हैं आप? समाज में आप टापर हैं, कुछ समाज की परिभाषा कुछ जानती हैं, क्या होता है समाज? सोसाइटी एक सिविलाइजेशन है, मतलब लोग जहाँ एक साथ मिल के रहें इसे सोसाइटी कहेंगे। अपने समाज के बारे में, मऊ गांव से आती हैं शहर से आती हैं? सर गांव से। गांव के समाज में क्या आपको अब तक लगा, क्या बदलाव होना चाहिए, कितना अच्छा है यहाँ, क्या बुरा है, क्या समझ में आया गांव? सर गांव के लोगों को मतलब और सारी जितने शहर में अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज मिलती हैं, जितना उधर डिजिटलाइजेशन होता है बैंकिंग की हो या और भी चीज़ों की, तो वो सब गांव में भी मिलना चाहिए। और सर इस समय आपसे बात, इंटरमीडिएट या हाई स्कूल? इस समय मैं 12th क्लास में। अच्छा, पास कर लिया आपने। तो सरकार की योजनाएं वगैरह जो गांव में आती हैं आपकी कुछ नज़र रहती है, अच्छे से काम होता है, प्रधान जी काम करते हैं? मैथ्स की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सोशल में नंबर पाया आपने? यस सर। चलिए कोई बात नहीं है। मेरे साथ यहाँ सर हैं, क्योंकि सर ने कुछ मेहनत किया तभी इन्होंने अच्छे से नंबर पाया, तो इनसे जानना चाहेंगे सर क्या मेहनत रहा और कैसे क्या तरीका रहा? सर सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, निहल थोड़ा सा सामने आ जाए, और सी इज टू मच लेबोरियस और इनकी तुलना मतलब बार एक्सलेंस में मैं करना चाहूँगा। रीज़न इसके पीछे ये था कि जब स्टार्टिंग में हम लोगों ने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो उस समय ये लड़की जो है मतलब टॉप रैंकर पे थी, तो मैं नंबर को कम करता था, मतलब लोग जो है 80 out of 80 देते थे तो मैं इसको 65 से देना शुरू किया और एक एक मिस्टेक को पॉइंट आउट करना शुरू किया, अंडरलाइन करना शुरू किया। मुझे लगता था कि बाकी लोगों की कापियाँ मैं 5 मिनट 10 मिनट में चेक करता था, तो इनकी कापियों को लेकर के मैं 1 घंटे लगाता था। ताकि वजह ये थी कि इसके अंदर मुझे दिख रहा था कि ये कहीं ना कहीं 100 out of 100 स्कोर कर सकती है, इसलिए एक एक छोटी से छोटी चीज़ों को रिमूव कर देना ये मेरा मोटिव था। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि जब CBSE ने चेंज किया अपना पैटर्न कि 20 मार्क्स जो है 1 के होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, तो उस समय थोड़े से मुझे भी डर लगा कि 21 स्कोर करना ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बाकी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन तब मैंने फोकस अपना शुरू कर दिया। 20 जो 1 मार्क्स क्वेश्चन थे मैंने इनके साथ ये एक्सपेरिमेंट किया कि एक एक पैराग्राफ से अनएक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने इनको बनाने का जो है टास्क दिया और ये बनाती थी, और जिसका नतीजा आपके सामने। समाज में सर शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वो जब बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरह बच्चे अपना भविष्य बनाते हैं, तो आप किस तरह की समाज को चाहते हैं, समाज का निर्माण हो और छात्रों को किस तरीके से पढ़ाया जाए? देखिए शिक्षा का निश्चित रूप से बहुत बड़ा महत्व है, और आज की परिवेश में मुझे मेरा ये मानना है कि हमें वैल्यू एजुकेशन देना है बच्चों को। मार्क्स की तरफ तो जो है आप देख ही रहे हैं कि मार्क्स तो अच्छे मिल ही रहे हैं,
लेकिन मास्क के साथ मैं अभिभावक से, और मैं खुद ही एक अभिभावक हूँ, मैं ये लोगों से अपने तरफ से आग्रह ये करना चाहूँगा कि बच्चों को वो मॉरल वैल्यू दें जो हमारे भारत की संस्कृति रही है, वो वैल्यू बच्चों से कहीं छीनी ना जाए। वो जो अपने अध्यापक को रिस्पेक्ट देना है और सम्मान देना है, या गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो बनी रहे। हाँ तो सर, आप अभी आप सुन बोल रहे थे कि सफल हो गए बच्चे आए, तो आपकी नज़र में सफलता कैसी होनी चाहिए? देखिए, सफलता तब मैं मानूंगा जब उस बच्चे की सफलता से उसके समाज की सफलता हो, जब उस जगह से ऊपर जाए। और जैसे अभी आपने बात किया, चंदन से बात किया, उस बहुत अच्छी खासी उसने जो है उसने जवाब दिया, आपने कोशिश भी किया कि जो है वो कुछ बोले। तो सफलता तभी संभव है जब वो अपने समाज के लिए जिस जगह से उठा है और उस जगह के लिए कुछ काम करे। मेरी नज़र में सफलता की परिभाषा वही है। तो सर ने भी सही कहा कि सफलता की परिभाषा अच्छे अंक लाना नहीं या बड़ी नौकरी आईएएस बन जाना नहीं है। आप जिस परिस्थिति में हैं, जिस समाज में हैं, किस तरह के काम करते हैं, ये मायने रखता है। और हमारे साथ जब टीचर हैं तो जाहिर सी बात है बच्चों में यही सभ्यता और यही संस्कृति और जो नैतिक मूल्य सिखा रहे हैं। और अब मेरे साथ हैं मैडम हैं, काफ़ी विशेष हैं, क्योंकि जिस हम समाज से आते हैं वहाँ सबके अंदर रहता है इंग्लिश सीखना। तो जाहिर सी बात है मैडम अच्छा इंग्लिश बोल रही हैं, इनको अच्छी अंग्रेजी आती भी होगी, तो क्या सिखाया इसको किताब कर गए? सर एक्चुअली मेन होता है स्ट्रैटेजी, और टीचर्स एक स्ट्रैटेजी के थ्रू वर्क करते हैं अपने बच्चों को टॉप कराने के लिए। डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल वी शॉर्टलिस्ट स्टूडेंट्स जो कि हमारे स्कूल से टॉप कर सकते हैं, तो यही हमारी स्ट्रैटेजी रही थी। और जो भी हमारे शॉर्टलिस्टेड बच्चे होते हैं हम उन पर थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं उनके लिए कि हाउएवर वी कैन प्रोवाइड देम विद एनीथिंग दैट वी कैन डू, हर तरीके से उन्हें फैसिलिटेट करना। और सबसे बड़ी बात है सर, बच्चे की अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है, जिस एनवायरनमेंट में वो पलता बढ़ता है, और डेफिनेटली स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत मैटर करता है। और इन केस ऑफ नेहल आई वुड से शी इज़ ऑल्सो माई वन ऑफ द फेवरेट स्टूडेंट्स, और शुरू से ही शी हैज़ बीन वेरी क्वाइट, बहुत कम बोलती है क्लास में, बट वेन एवर शी रिस्पॉन्ड्स बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, बहुत सटीक टू द पॉइंट आंसर्स करती है। सो दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट हर, बहुत अच्छी लगती है मुझे ये चीज़ नेहल की। जो आप अभी मंच पे बोल रहे थे आपकी इंग्लिश स्पीकिंग काफ़ी अच्छी है, तो आपके हम ग्रेजुएशन जाने क्या एजुकेशन आपका? सर मेरी एजुकेशन एक्चुअली यही मऊ से हुई है, मैंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों DCSK से किया है अंडर ए के मिश्रा सर, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम, उनका हमेशा हाथ रहा है मेरे ऊपर, और डेफिनेटली एक बहुत अच्छे गाइड है वो और मिसेस रुचिका मैम उनकी वाइफ। चलिए, विशेष करके ग्रामीण परिवेश में आते थे, इनको इंग्लिश स्पीकिंग सिखाना कितना सरल होता है कितना कठिन? सर हेज़ अ थिंग अबाउट एक्सेंट, कुछ बच्चों की अपब्रिंगिंग इस तरीके से होती है कि घर में उनकी वो एक्सेंट डेवलप नहीं हो पाती है, तो कुछ बच्चों के अल्फाज पहले से क्लियर होते हैं, उनको इंग्लिश सिखाना ज़्यादा आसान होता है मेरे लिए, और डेफिनेटली उनकी बोली में वो चीज़ रिफ्लेक्ट होती है और बहुत अच्छा बोल पाते हैं वो इंग्लिश। और एक्सेंट के साथ साथ उनकी नॉलेज ग्रामर की और लिटरेचर की वो भी इक्वली हेल्प करती है। चलिए, तो ये थी मैडम, आप भी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम समर यादव है जी, सेकेंड इशू का 98.8% है मेरा। अच्छा, हाई स्कूल में? यस सर जी। क्या सोचते हैं आगे करना? सर आई क्वालिफाई करना चाहते हैं नीट, PCB स्ट्रीम है हमारे। कहाँ है डॉक्टर बनेंगे? सर गोल है बस डॉक्टर बनना है। मम्मी पापा बोले हैं अपना गोल? नहीं सर, मेरा खुद का गोल है। अच्छा, खुद का गोल है सर। यस सर। क्या डॉक्टर में आपको अच्छा लगता है? डॉक्टर में से दूसरों की सेवा करना ज़्यादा सही लगता है, और मुझको मेनली न्यूरो सर्जन बनना है सर। अच्छा अच्छा, यस सर। तो चलिए, हमारे साथ थे सभी छात्र थे, टीचर थे, और यहाँ जश्न का माहौल है। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अपना मऊ जनपद नाम रोशन करता रहे और अपनी पहचान राष्ट्रीय फलक पर पहुँचाए, तभी यहाँ के गांव, शहर और नगर का भी विकास होगा। ETV भारत के लिए अभिषेक सिंह, मऊ।